अलीना खान बनी शिवांगी वर्मा, हिंदूवादी संगठनों की मौजूदगी में रचाई शादी। चार दिन पहले ही वीडियो किया वायरल, अलीना ने परिजनों पर लगाया था आरोप। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्रेम की खातिर एक युवती के द्वारा धर्म से नाता तोड़ दिया गया। अलीना खान ने पहले हिंदू धर्म अपनाकर शिवांगी वर्मा बनी, जिसके बाद युवती ने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली, जिसकी चर्चा अब जिले भर में देखने को मिल रही है। दरअसल दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला उस समय सुर्खियों में आया जब चार दिन पहले अलीना ने एक वीडियो वायरल किया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के तहसील खैर का बताया गया, जहां की रहने वाली अलीना के द्वारा 5 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करने के बाद हिंदू युवक से शादी करने की मांग की गई थी। इसमें उसने कहा था कि वो सचिन से प्यार करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, वो धर्म परिवर्तन भी करना चाहती हैं, लेकिन परिजनों ने उसे कैद कर रखा है। अलीना ने पुलिस और मुख्यमंत्री से खुद को मुक्त कराने की गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने अलीना को कैद मुक्त भी कराया। अलीना नाम की एक महिला, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर कर वायरल हुआ था। वीडियो में उसके द्वारा अपने परिजनों के ऊपर, विशेषकर अपने भाई के ऊपर अश्लील हरकत करने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। ये वीडियो वायरल होते ही तत्काल थाना खैर की पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। मौके पर जाकर के वास्तविकता की जांच की गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अलीना नाम की उक्त महिला एक शौर्य वर्मा नाम के लड़के से प्यार करती है। दोनों ही बालिग हैं और निकट भविष्य में इन दोनों लोगों द्वारा आपस में कोर्ट मैरिज करने का भी प्लान किया गया है। पूर्व में जो लड़की के परिजन थे उनको इस बात पर आपत्ति थी, लेकिन अब लड़की के परिजन भी लड़की के इस फैसले के साथ सहमत हो गए हैं। उन लोगों ने भी उनके शादी पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लड़की का भी एक पुनः वीडियो लड़की द्वारा अपने बयानों में बताया गया है कि वह अपने परिवार के साथ अब खुश है, और अब उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बता दिए कि वो लड़की अब अपने परिवार वालों से पूर्णतः संतुष्ट है, अब उस पर वो आगे कोई कार्रवाई नहीं। आपको बता दें कि इसके बाद परिजनों से खुद की और प्रेमी की जान को खतरा बताने वाली खैर निवासी युवती अलीना खान ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम शिवांगी वर्मा रख लिया। 19 सितंबर को वो अपने प्रेमी सचिन वर्मा और शौर्य के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और अपर जिला अधिकारी नगर न्यायालय में दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद उसने अपने पति और ससुराल वालों की सुरक्षा की भी मांग की। आपको बता दें कि 4 दिन पहले वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझाकर उसे मुक्त कराया। 19 सितंबर को अलीना अपने प्रेमी सचिन वर्मा और करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ एडीएम सिटी के न्यायालय पहुंचकर शादी के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। गवाहों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे के गले में फूलों की माला पहनाकर शादी कर ली। इसी दौरान न्यायालय में युवती के परिवार का भी कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। युवती ने पुलिस से अपनी व ससुराली जनों की सुरक्षा की गुहार लगाई। अलीना खान और शिवांगी वर्मा ने बताया कि वो अपने प्यार मिलने की खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हैं। आज शादी के बाद वो बेहद ही खुश हैं। शिवांगी, क्या हुआ है आज, किस तरह शादी की है, क्या पूरी पूरी बात बताइए। मुझे शादी हिंदू धर्म में करनी थी, मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने वीडियो वायरल किया अपनी सुरक्षा के लिए। जब जाके मुझे पुलिस से सुरक्षा मिली, फिर मैं वहाँ पे चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि वीडियो हटाओ, बट मैंने वीडियो नहीं हटाई। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि बार बार मारने की धमकी दी जा रही थी, मैं जब भी मैंने वीडियो नहीं हटाई। अब आपने धर्म परिवर्तन किया? जी बिल्कुल। किससे शादी की है? अपने शौर्य वर्मा से। पहले क्या नाम था आपका? अलीना खान। अब क्या है? शिवांगी वर्मा। शादी हो गई? जी बिल्कुल। सनातन धर्म में आई है? जी बिल्कुल। कैसा महसूस? बहुत जी। क्या कहेंगे, आने वाले समय में भी आपके जीवन में कोई कोई चुनौती रहेगी? जी। परिवार आज मौजूद भी नहीं था, शादी हुई आपकी, परिवार को होना चाहिए, परिवार की सहमति होती, तो इस चुनौती को किस तरह देखती है और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? नहीं, घर वाले एग्री नहीं करते, वो पीठ पीछे से वार करते हैं। मेरे सामने बोल रहे थे कि हम एग्री हैं, कोर्ट में हम कराएंगे, लेकिन नहीं, हर जगह ताले लगाए जा रहे थे ताकि मैं निकलूं नहीं। आप पीछे से वार करने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अब भी करेंगे। योगी जी से किस तरह की उम्मीद है? मुझे आगे भी अपनी सेफ्टी चाहिए कि मुझे और मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों, किसी को भी कुछ हो, उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। नासिर खान का बेटा शेवी खान होगा, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को जलाया था, वो खुद कह रहा था मैं जलवाऊंगा। मेरे सगे भाई से बोल रहा था इसके साथ ये कर, इसको जलान
जान से मार दूंगा। मुख्यमंत्री योगी लगातार महिलाओं की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, आपने जब ये बात कही तो आप क्या मांग करती है मुख्यमंत्री से कि आपको किस तरह सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आपने सनातन धर्म भी किया है इस समय, तो मतलब क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि मेरे साथ जो भी होता है उनके स्वयं जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, हम अपनी मर्जी से अलग नहीं होंगे, अगर हम पे कुछ भी रहे पूरा खानदान टोटका कराता है। अब किससे जान का खतरा है आप लोगों को? मुझे अब भी अपनी फैमिली से है, अपने जी 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 बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इसको देखिए, सुरक्षा चाहिए आपको? जी बिल्कुल चाहिए, शेबी खान और नासर खान ये दोनों वकील है, कुछ भी कर सकते हैं, पीठ पीछे से वार करेंगे, आगे से वार नहीं करेंगे ये लोग। तो क्या मानती हैं अभी आपके पति या आपके ससुराल जी लोग अभी खतरा बनेंगे? जी बिल्कुल जी, अब भी खतरा है मेरे ससुराल वालों को, मेरे पति को, मुझे, और मेरे पापा भी ये काम करवाएंगे, जलालुद्दीन खान, उनसे ही मुझे अपनी जान का खतरा है। सचिन वर्मा, शौर वर्मा। अच्छा तो बताइए किस तरह आज आपने शादी की, क्या घटनाक्रम रहा, क्या मामला रहा ये पूरा? 4 दिन से परेशान थे इनके घर वालों से, अब जाके शादी हुई है, अब खुशी मिली है, तसल्ली हुई है हम लोगों को। क्यों परेशान थे? इनके घर वाले एग्रीन थे, ये मोमडन थे, इसलिए इनके घर वाले एग्री नहीं हुए, इसके लिए मोमडन थे वो लोग, इनको मारने की धमकी दी जा रही थी बार बार, इसलिए दुबके हुए डोले थे, इनको पुलिस ने पकड़ रखा था, फिर इनसे जवाब लिए गए, मैं बाहर था, इनसे पूछिए बताओ क्या हुआ, आज क्या हुआ? आज कोर्ट में रही है, शादी हुई हमारी, शादी हो गई जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लड़की थी, इसने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, ये एक सौर नामक लड़के हिंदू लड़के से प्यार करती थी, ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के परिजन चूंकि मुस्लिम थे तो वो शादी का विरोध कर रहे थे, और लगातार लड़की को डराया धमकाया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। जब ये वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने संज्ञान लिया और तो उसके बाद इस लड़की को सुरक्षा प्रदान की गई और वहाँ से लाकर नारी निकेतन भेज दिया गया, और लड़के को भी अपने घर छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि लड़के की जान को भी खतरा था। फिर ये इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों से संपर्क किया, हम सब लोगों ने मिलकर पुलिस से मिलकर प्रशासन से मिलकर इनके पक्ष में कार्रवाई कराई और आज इनके यहाँ शादी की कार्रवाई को पूरी कराया। अच्छा क्या मानते हैं जिस तरह से लड़की के द्वारा अभी भी कहा गया है कि उसके जीवन में जो है अभी भी चुनौतियां कम नहीं है पारिवारिक जनों से? जी बिल्कुल, कहीं कहीं वो कोई कोई घटना कराएंगे बराबर करेंगे। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या मानते हैं इसमें, क्या कहेंगे सरकार से, क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे ये अपील करूंगा कि इस बच्ची को और इसके ससुराल वालों को, इसके पति को, सबको सुरक्षा प्रदान की जाए, और इनकी एक छोटी सी भी सूचना अगर पुलिस को या प्रशासन को किसी भी रूप में मिलती है तो इनको तुरंत प्रशासन को हरकत में आकर और इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बालिग अपनी स्वेच्छा से इन्होंने शादी की है, स्वेच्छा से लड़की अलीना खान से शिवांगी वर्मा बनी है, उसने सनातन धर्म अपनाया है, और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो है इस लड़की के प्रति या इस तरह की और भी जो केस होते हैं लड़कियों का, मान लीजिए घर वापसी करना चाहते हैं लड़की, प्यार है, प्यार कोई मजहब नहीं देखता है, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है उसमें कोई गुनाह नहीं है, दोनों बालिग हैं, अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो प्रशासन को भी इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करें।